नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। खबर है उतराव से। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांगरमऊ उपचुनाव का उद्घोष जोर शोर से किया। बांगरमऊ विधानसभा से कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता खत्म होने के पश्चात यह सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचकर लोकसभा चुनाव से जनता से मिले लगभग पूर्ण समर्थन का अभिवादन किया और विभिन्न विभागों की 93.95 करोड़ धनराशि की 192 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकपर्ण कर क्षेत्र को विकास की सौगात दी। सांसद साक्षी महाराज की पहल पर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को मिला सम्मान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम अमर शहीद के नाम पर होगा तथा प्रांगण में गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा स्थापित होगी। संविधान सभा की अनमोल धरोहर रहे पंडित विशंभर दयाल त्रिपाठी जी के अमर का नाम सम्मान किया। सांसद साक्षी महाराज की पहल पर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को मिला सम्मान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम अमर शहीद के नाम पर होगा तथा प्रांगण में गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा स्थापित होगी। संविधान सभा की अनमोल धरोहर रहे पंडित विशंभर दयाल त्रिपाठी जी के अमर नाम का सम्मान किया और नव निर्मित राजकीय विद्यालय पर अमर अक्षरों को अंकित करने की सौगात दी। सीएम योगी का बयान, उतराव में प्रवासी श्रमिकों ने इतिहास लिखा, श्रमिकों ने हुनर का परिचय संकट में दिया, जिस स्कूल में क्वारंटीन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, आजादी के क्रांतिकारियों को नमन किया। बांगरमऊ संडीला मार्ग का नामकरण सातन पासी के नाम पर होगा। सीएम बांगरमऊ सीट पर होगा उपचुनाव। मंच पर अध्यक्ष विधानसभा हृदय नारायण दीक्षित, मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष राज किशोर रावत, सांसद डॉक्टर हरि साक्षी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सिंह सेंगर, सदर विधायक पंकज गुप्ता, सफीपुर विधायक बम्बा लाल दिवाकर, मोहन विधायक ब्रजेश रावत व अन्य लोग रहे मौजूद। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर दो पल पुलिस अधीक्षक दो दर्जन के करीब ज्यादा निरीक्षण, आधा दर्जन से ज्यादा सीओ सहित पीएसी और करीबन 5 सैकड़ा पुलिस कर्मी सीएम की रैली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात। उतराव से अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने, उसके जीवन को समृद्धशाली बनाने और भारत को सशक्त बनाने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सबको मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए, कभी कभी उन भावनाओं में नहीं बहना चाहिए जो हमें उस निहित स्वार्थ की तत्व को बहकाने का प्रयास करते हैं।